सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मोटो स्काई पे आपका स्वागत है। और जैसे कि आज की जो वीडियो है मैं यामा RX 100 के ऊपर बनाने वाला हूँ। जैसा कि ये मेरी यामा RX 100 है और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ग्राफिक करने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हो ये पूरा अभी प्लेन है। जैसे कि मैंने मतलब पहले ही बनाया था तभी ये पूरा गाड़ी प्लेन था और अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफिक करने वाले हैं। सो अभी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और मैं आइए आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसको ग्राफिक करने वाले, और ग्राफिक होने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसी लग रही है बाइक। ठीक है, ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभी ग्राफिक मैं इसका जो रेडियम लाया हूँ, मतलब जो भी लगाने के लिए लाया हूँ, वो सब लगाता हूँ इसके ऊपर। सो उसके बाद पूरा कम्प्लीट होने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है बाइक मेरी। Independent in our ways, but the fears won't fade from imaginary fears. We had to let it go to understand, to know that the freedom's lost with fear. Just like a hologram, you watch me where I stand. Our history. सो गाइस, फाइनली हम लोग ने ये यामा RX 100 का काम कंप्लीट कर लिया और आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी कैसा लग रही है गाड़ी, कैसी लग रही है। सो ये मेरे पीछे मेरी बाइक है एंड आप लोग देख सकते हो इसका मतलब रियर कैमरा चालू करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी कैसा व्यू है इसका, मतलब क्या दिख रहा है, पहले कैसी थी और अभी एकदम पहले जैसे नॉर्मल प्लेन पेंट किया था और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ग्राफिक किया है। सो आप लोग को दिखाता हूँ मैं। सो जैसे देख सकते हो आप लोग, टैंक पे मैंने ये वाला लगाया स्टिकर्स, उसके बाद में यहाँ पे जो बॉर्न टू राइड और राइड टू लिव का स्टिकर एक लगाया है, गो राइड योर बाइक। फिर ये यामा का जो है ये पहले से था, और उसके बाद में हम लोगों ने मुसाफिर का एक स्टिकर लगाया, और यहाँ पे टेल लाइट पे टूरिंग स्पिरिट का एक स्टिकर लिया था मैंने, वो लगा दिया है। और यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टेल लाइट पे पीछे साइड में, और नंबर प्लेट पे मैंने अपने का सरनेम लिखवाया मैंने अपना। और उसके बाद में यहाँ पे है लाउड एंड प्राउड, जो कि यामा के लिए बहुत, और उसके बाद में दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेड इन जापान, जबकि जो कि ये गाड़ी मेड इन जापान है। सो और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टा आईडी लिंक डाला है, और आगे के फ्रंट कार्ड पे मैंने यूट्यूब चैनल का ही नाम डाला है, जैसे कि मेरे वो वाली गाड़ी में भी मैंने ऐसे ही किया था। सो लुक वाइज तो मुझे बहुत सही लग रही है, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फक न्यू मॉडल्स, आई एम ओल्ड स्कूल। और ये जो सस्पेंशन है यहाँ पे यामा का नाम डाला है पूरा दोनों साइड में, और जो रिम है उसके ऊपर टू स्ट्रोक RX 100, एंड फिर इसके बाद में यहाँ पे यामा रेसिंग। सही रियर टायर पे भी वैसे ही किया है, यहाँ पे टू स्ट्रोक, वहाँ पे RX 100, एंड यहाँ पे टू स्ट्रोक, और वहाँ वो साइड में इसका जो है वो यामा रेसिंग का लगा है, बस इतना ही किया है। एंड अभी बहुत कुछ बाकी है करना, सो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करने वाला हूँ यामा के ऊपर मेरे। सो गाइस, वीडियो यहीं तक थी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।